चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर वन ब्रांड। जिसने 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 सुन ले जिसने बहन जी के मान सम्मान की रक्षा की थी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी, उसको भी बहुजन समाज को याद रखना चाहिए, उनके कोऑपरेटर्स को भी याद करना चाहिए। और जिस तरह बहन जी ने सरेंडर कर दिया है केंद्र सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, पिछले 3 चुनावों से वो एक्टिव नहीं है, उससे ये बिल्कुल मैसेज जाता है कि वो बी टीम बन के काम कर रही हैं। और उनके जो कोऑपरेटर हैं उनको आकाश आनंद को हटा दिए, आनंदपुर की सीट फंस गई। क्यों लगता है? और उनके एक साहब हैं, जी नाम भूल गया, मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। राम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि जौनपुर की सीट फंस गई, ये क्यों कह रहा है, बताइए कहानी। ये इसलिए सुनिए क्यों फंस गई। देखिए, जो अमित शाह जी चाहते हैं वही होता है भाजपा के नेता। आप कहानी बताइए, मैं कहानी में जानना बता रहा हूँ। उन्होंने मायावती को फोन किया, मायावती को फोन करके कहा कि ऐसा है कि आप अपना वहाँ से प्रत्याशी हटा दीजिए। तो उन्होंने अपना प्रत्याशी हटा दिया और धनंजय सिंह की पत्नी को अपनी प्रत्याशी हटा दिया। उसके हटा दिया जो कौन प्रत्याशी था, वहाँ प्रत्याशी कौन था जो भी बिल्कुल वही जिन, हाँ बिल्कुल बोल दीजिए, हाँ धनंजय सिंह की पत्नी को, अरे सुनो ज्यादा ना चिल्लाओ, धनंजय सिंह की पत्नी को वहाँ से कैंडिडेट हटा दिया, श्री कला रेड्डी जी को, वो चुनाव लड़ रही थी उनको हटा दिया। उसके बाद जो है आकाश आनंद को प्रभारी पद से भी, जो उनके बस उनको भी हटा दिया। ये किसके कहने पे बात पूरी हो जाए, ये किसके कहने पर हुआ, ये अमित शाह के कहने पर हुआ। अरे भैया मेरे काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं, सुन तो लीजिए, मेरे काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं। आप क्या कह रहे हैं, देखिए आप एक ऐसी बात बता रहे हैं जो मतलब अगर अमित शाह जी का मायावती जी के पास फोन गया होगा, बिल्कुल, तो ये बात मायावती और अमित शाह जी को, इन्हीं लोगों को पता होगी, आपको कैसे पता है? हमको इस तरह पता है, ऐसे कई सारे काम है जो सुन लीजिए, बसपा के ऐसे फोन टैपिंग करा रहे हैं, बसपा के ऐसे बहुत सारे काम है, सफाइयों ने लगाया है, राजनीति में बहुत कुछ आपको भी नहीं पता है, राजनीति में बहुत चीजें होती है, सफाइयों का पेगासस काम कर गया। भाई साहब मैं धक्का दूंगा तो ज्यादा लोग गिर जाओगे, थोड़ा आराम से देख लीजिए भैया। राजनीति में बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी चीजें होती है, वो अंदर माइक नहीं होती, अंदर होती, पूरे प्रदेश में कौन नहीं जानता। आज बसपा क्या है, बसपा की एक सीट नहीं है, पूरे प्रदेश में क्या हालत हो गया बसपा, सपा से ज्यादा सांसद है बसपा। रामराज जी सुन ली आपकी बात, आप मैं कह रहा हूँ बसपा ने चूंकि बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत ही टैलेंटेड नेता है, उनकी उनकी जो सोचने की क्षमता है वो अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने श्याम सिंह यादव को दिया है, जिनका की वहाँ जनाधार है, वो ऑलरेडी वहाँ से सांसद हैं जौनपुर में, और धनंजय सिंह कई बार लड़े हारे, लोकसभा विधानसभा दोनों में लड़े हारे, उनको पता था कि ये भी नहीं जीत पाएंगे, एक बार सांसद रहे हैं लेकिन इधर बीच के लगातार 3-4 चुनाव में हार चुके हैं, तो उनको लगा है जो है कि मतलब मायावती जी को कि हमारा जो ऑलरेडी सांसद है उसी को जिताना चाहिए, उसी को देना चाहिए, इसीलिए चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, नहीं काटना चाहिए। उनका टिकट क्यों काट दिया, वो तो अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, उनका टिकट काट दिया, बसपा से कट गया जी, बिल्कुल कट गया, बसपा का जिला अध्यक्ष वहाँ का जौनपुर का कहा इन्होंने टिकट लौटाया है। एक सेकंड, बसपा का टिकट जो बसपा का टिकट कटा तो आपको दुख क्यों हो रहा है? हमको इसलिए दुख, जो सपा के हैं, जो लोग लोकतंत्र में मोदी जी तानाशाह बने हुए हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं, वो जो चाहते हैं वही हो रहा है।